नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार टर्म्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। चार टर्म्स है। पहली टर्म्स है लॉन्ग बिल्डअप, दूसरी टर्म्स है शॉर्ट बिल्डअप, तीसरा टर्म है शॉर्ट कवरिंग और चौथा टर्म है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि ये चार टर्म्स का मतलब क्या है। आपने कई बार टीवी एंकर्स को या टीवी पे जो गेस्ट आते हैं सीएनबीसी वगैरह, इन पे उनको बात करते सुना होगा कि इस शेयर में काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो इन फ्यूचर ये नीचे जा सकता है। तो ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसके बेसिस पे आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, मतलब क्या ये क्या इंडिकेशन देते हैं फ्यूचर में कि शेयर का प्राइस किस तरफ को जाएगा। ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है क्योंकि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे बेस्ड होता है, लेकिन ये बहुत क्लियरली आपको बताता है कि शेयर का प्राइस किस तरफ को जा सकता है, किस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो आइए समझते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अभी मैं पेटीएम मनी की स्क्रीन पे हूँ। बाय द वे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी धीरे धीरे जो है वो अपनी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत पेटीएम मनी पे मैं मूव कर रहा हूँ। उसका कारण यह है कि एक तो इन्होंने काफ़ी अच्छे जो है फीचर्स दिए हैं जिसमें हमको, और जो अलग अलग साइट है जहाँ पे हम पेड प्लान्स लेते हैं कुछ चीज़ें चेक करने के लिए, वो सब इन्होंने यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की है और लाइव अपडेट होता है उनका। दूसरा ये कि इनका हर ट्रेड पे 20 रुपये की बजाय सिर्फ 10 रुपये अपने को वो ट्रेडिंग एक्सपेंस आता है जिसे ब्रोकरेज बोलते हैं। तो ये आधा ब्रोकरेज लेते हैं और काफ़ी सारे फीचर दिए हैं। तो अब मैं धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग इस पर मूव कर रहा हूँ। अगर आपको भी करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जो है पेटीएम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका पेटीएम ऑलरेडी अकाउंट है तो पेटीएम मनी में बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आप मेरे लिंक से अगर सब्सक्राइब करें तो मुझे एक बार कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां से हम लोग थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बातें कर सकते हैं कि मैं किस तरह का ट्रेड ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, उन सब पे। तो दोस्तों इसमें मैं जो आपको चार टर्म्स जो मैं बताने वाला हूं, ये देखिए यहां पे ये स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, आप ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में आएंगे और नीचे जाएंगे तो ये हीट मैप का देखिए ये सेक्शन है। हीट मैप में यहाँ पे ये देखिए LBU, SBU, SC और LU। तो ये चार टर्म्स हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इनका क्या मतलब है, ये एक्चुअली दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, एक प्राइस और एक ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं ये आपको टर्म समझा देता हूँ कि जब भी किसी फ्यूचर में या ऑप्शन में कोई ट्रेड होता है तो एक बायर है और एक सेलर है, चाहे वो कॉल का हो, पुट का हो या फ्यूचर का हो। हम एग्जांपल के लिए एक फ्यूचर मान लेते हैं कि मान लीजिए ICICI का एक फ्यूचर है, किसी पर्सन ए ने उसे बाय किया, बी ने उसे सेल किया, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही नए पर्सन हैं, ठीक है, यानी इनके पास ऑलरेडी शेयर नहीं था, तो ए ने नया बाय किया, बी ने नया सेल किया, तो ये एक OI बिल्डअप हो गया नया, तो ये मतलब OI इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब फिर क्या किया, थोड़े टाइम बाद ए ने सेल कर दिया, बी ने बाय कर लिया, यानी उनके जो ट्रेड जो उन्होंने लिए थे वो ट्रेड से एग्जिट कर दिया, यानी वो जो ट्रेड एक नंबर जो बिल्टअप हुआ था वो उससे एग्जिट कर गए तो नंबर कम हो गया। तो जब नए लोग आके नया ट्रेड लेते हैं तो OI बिल्टअप होता है, और जब पुराने लोग जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है, चाहे वो कॉल का हो, चाहे पुट का हो, बाय हो, सेल हो, फ्यूचर्स में बाय हो, सेल हो, कुछ भी हो, लेकिन नया ट्रेड लिया तो OI बन रहा है और ट्रेड से एग्जिट किया, चाहे शॉर्ट ट्रेड हो या लॉन्ग ट्रेड हो, उससे एग्जिट किया तो वो OI कम हुआ। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉन्ग बिल्डअप। ये कब होता है, जब प्राइस भी ऊपर जा रहा है और OI भी ऊपर जा रहा है। इसका जो है मतलब समझिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो ट्रेड लेने में एंटर हो रहे हैं, आप समझिए। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग एंटर हो रहे हैं वो महंगे रेट पे खरीद रहे हैं। कोई आदमी क्यों महंगे रेट पे खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे प्राइस और ऊपर जाएगा। तो लॉन्ग बिल्टअप अगर किसी इसमें हो रहा है, यानी कि प्राइस भी ऊपर बढ़ रहा है और आपकी OI भी ऊपर बढ़ रही है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, देखिए ये पहला एग्जांपल है श्री सीमेंट, तो आप इसमें देखेंगे कि प्राइस भी देखिए ऊपर गया है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया है। तो प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों ऊपर गया है, तो लोग मतलब बढ़े हुए प्राइस पे भी नए लोग एंटर हो रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये ऊपर जाएगा। तो ये होता है लॉन्ग बिल्टअप। अब ऐसा ही दूसरा होता है शॉर्ट बिल्टअप। इसका क्या मतलब होता है कि प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन लोग फिर भी एंटर हो रहे हैं, तो वो लोग जो नए लोग एंटर हो रहे हैं और प्राइस गिरता जा रहा है मींस वो लोग सेल कर रहे हैं। तो नए लोग आके सेल क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है
कि मार्केट आगे फ्यूचर में नीचे जाएगा। तो अगर किसी शेयर में आपको शॉर्ट बिल्टअप दिखाई दे रहा है, यानी प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फिर से समझ लीजिए, प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी प्राइस गिर रहा है लेकिन नए लोग आके और ट्रेड ले रहे हैं, तो वो लोग, अगर प्राइस गिर रहा है इसका मतलब वो लोग क्या ट्रेड ले रहे हैं, वो लोग नीचे की साइड का ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं। तो ये शॉर्ट साइड पे बिल्टअप होता चला जा रहा है ओपन इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? नहीं समझ में आया गाइज, मैं भी और भी दो टर्म समझा रहा हूँ, लेकिन इनमें कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो प्लीज़ नीचे कमेंट में पूछना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थर्ड टर्म है आपका शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये कब आता है, प्राइस आपका ऊपर बढ़ रहा है और OI कम हो रहा है, ये कब होता है ये आपको मैं समझाता हूँ। ये होता है जब लोगों ने पहले शॉर्ट पोजिशन बनाई हुई है, जो है एक्सपेक्ट करके कि प्राइस नीचे जाएगा, समझिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है कि प्राइस नीचे जाएगा लेकिन प्राइस ऊपर को भागने लगता है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अब इन लोगों को नुकसान होने लगता है, नुकसान होने लगता है, तो ये उस पोजीशन से एग्जिट करते हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, समझे। जब प्राइस ऊपर जा रहा है, इन लोगों ने पहले से पोजीशन बनाई हुई है, ये इस पोजीशन से एग्जिट करते हैं, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, OI कम हो रहा है, तो ये होती है शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग में ही मार्केट सबसे ज्यादा भागता है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये लोग और एग्जिट करेंगे, और प्राइस ऊपर जाएगा और एग्जिट करेंगे, और प्राइस ऊपर जाएगा। तो शॉर्ट कवरिंग में जो है वो उस समय होती है कि जब ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे जाना चाहिए था लेकिन प्राइस उनकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा चला गया, तो लोगों को अपने ट्रेड काटने पड़ रहे हैं या उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, तो उस केस में जो है शार्प राइज होता है मार्केट और फिर कहीं जाके स्टेबल होगा या दोबारा थोड़ा सा नीचे आता है, तो ये होता है शॉर्ट कवरिंग में। इसका बिल्कुल जो अपोजिट होता है वो होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होता है? जब प्राइस भी नीचे जा रहा है और OI भी नीचे जा रही है, आप समझिए। तो जब प्राइस नीचे जा रहा है तो ये उन लोगों का है जिन लोगों ने ये सोच के ट्रेड लिया था कि प्राइस आगे फ्यूचर में ऊपर जाएगा लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, तो उनको नुकसान हो रहा है, तो उनको उस ट्रेड से एग्जिट करना है, तो उस समय जो है वो या तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं या जो भी है, तो उनको उस ट्रेड से एग्जिट करना है। जिन लोगों ने ऊपर की तरफ पोजीशन ली थी लेकिन मार्केट नीचे की तरफ चला गया, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी लोगों ने अपना लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ था लेकिन मार्केट उल्टा चला, तो उनको अनवाइंड करना पड़ रहा है क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है। तो अभी ये देखिए एग्जाम्पल्स में आप देखिए, अब जैसे ये श्री सीमेंट में आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर है और लॉन्ग नई पोजीशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसे ही हम ये दूसरा एग्जांपल देखें, बजाज ऑटो है। अब बजाज ऑटो में प्राइस नीचे गया लेकिन ये जरा सा नीचे है। लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल, सन फार्मा में प्राइस जो है लगभग 0.5% नीचे गया है और OI पोजीशन बढ़ी है, तो मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस और गिरेगा। ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए, ये है टाटा कंज्यूमर, इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी लोगों ने, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी पहले, प्राइस गिर गया तो उन लोगों को अपनी पोजीशन काटनी पड़ी है, तो इसलिए ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। और नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करके देखते हैं निफ्टी में अगर हमको कहीं पे भी शॉर्ट कवरिंग, ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इंडिया बुल हाउसिंग में आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया है लेकिन यहाँ पे परसेंटेज चेंज अगर आप OI में देखेंगे तो नीचे हुआ है, तो इसमें क्या था कि लोगों ने पहले एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस नीचे जाएगा लेकिन प्राइस नीचे के बजाय ऊपर भाग गया, तो लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं और वो उनको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ा है। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं, तो ये चार चीज़ें जो हैं ये आपको मतलब ये बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और ट्रेडर्स आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये फीचर पेटीएम मनी में बहुत इजीली दिया हुआ है, आप भी पेटीएम मनी में रजिस्टर कर सकते हैं, आपका ब्रोकरेज भी आधा लगेगा और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स जो हैं वो आपको दिए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप मेरे लिंक से रजिस्टर करें तो मुझे ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट करें। दैट इज़ इट गाइज फॉर दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।